सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाद में आपको इसको डिलीट कर देना है। बाद में आपको इधर थ्री डॉट पे आके आपको इमेज साइज पे आ जाना है। इमेज साइज पे आके आपको यूट्यूब थंबनेल साइज को सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आपको इधर दो बॉक्स दिख रहे हो, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपको ग्रेडियंट में जाना है, कलर के नीचे में। बाद में आपको प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में इस तरह का आएगा ये ब्लैक वाला, इसको आपको लेना है। बाद में आपको प्लस में ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैक वाला ऑप्शन, ब्लैक है ब्लैक कलर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाके आपको आपको इस तरह से मैं जैसा रख रहा हूँ वैसा आपको कर लेना है, आपके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बाद में आपको इसको बीच में ला देना है, बीच में थोड़ा सा। बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है और इसको आपको बीच में लेके आ जाना है इसको भी। बाद में आपको व्हाइट कलर पे क्लिक करना है, व्हाइट कलर पे। और व्हाइट कलर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कलर पे क्लिक करके आपको ब्लैक कलर ले लेना है। आपको ब्लैक कलर लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाद में आपको मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको फुल साइज़ कर देना है उसकी। तो आपको साइज़ में जाना है, रियल साइज़ में, और फुल साइज़ कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको उसको लॉक लगा देना है। बाद में बारी आती है आपको, सबसे पहले आपको PNG ले लेना है, मनोज दे वाला। मनोज दे वाला PNG ले लेता हूँ मैं। बाद में आपको इसको इस तरह से कुछ फिट कर देना है। बाद में आपको इसको भी लॉक कर देना है। लॉक कर दिया बाद में आपको आपका PNG ले लेना है, जो भी आपको सेट करना है आपको PNG, वो PNG मैं ले लेता हूँ। आपको PNG ले लेना है। PNG लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेरा PNG आपको आपके हिसाब से आपको साइज़ रख देना है। साइज़ को आपको अपने तरह से रख देना है। बाद में आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। बाद में आपको इसको शेडो देना है तो शेडो दे सकते हैं। मैं अभी ब्लैक शेडो दे देता हूँ। ओके, बाद में आपको इसको भी लॉक लगा देना है। बाद में आपको दूसरा PNG ले लेना है, आपको जो बड़ा वाला है आपको रखना हो वो मैं ले लेता हूँ। बाद में आपको सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। बाद में आपको फिर से उसको लॉक लगा देना है और बाद में आपको टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट पे जाके आपको कुछ लिखना है, जैसे कि मैं टेक्निकल मयूरियास लिखता हूँ। टेक्निकल मयूरियास, टेक्निकल मयूरियास लिखने के बाद आपको उस पर क्लिक करके आपको कलर पे आ जाना है। कलर में अभी रेड लगता हो, रेड रेड कलर पे आके आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आपको फॉन्ट पे आ जाना है। फॉन्ट पे आ जाने के बाद आपको फॉन्ट ऐड कर लेना है इधर से और फॉन्ट को ले लेना है। मैं इस तरह से कुछ ले लेता हूँ। बाद में आपको इसको राउंड करना पड़ता है, राउंड कर देना है इसको, इस तरह से हो जाए। बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसको भी लॉक कर देना है। बाद में आपको अगर टेक्स्ट पे फिर पे आ जाना है, टेक्स्ट पे, और यहाँ पर लिखना है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल लिखने के बाद आपको उस पे भी कलर पे आ जाना है। कलर पे आके आपको दूसरा वाला कलर ले लेना है इस तरह का। बाद में आपको इसमें भी फॉन्ट पे आ जाना है। फॉन्ट पे आ जाने के बाद आपको आपके आपको जो रखना है दोनों में से, और आप कोई भी रख सकते हैं, उसको इधर रख देना है। बाद में आपको फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है और हिंदी में आपको जो लिखना है वो मैं अभी लिख देता हूँ, जैसे कि बाद में इधर में इस तरह से बनाओ लिख देता हूँ, इस तरह से बनाओ। बाद में आपको इधर क्लिक कर देना है, इसका भी आपको कलर ले लेना है आपके हिसाब से। मैं अभी आधे में रेड लगा देता हूँ, बनाओ में रेड लगा देता हूँ और उसमें भी अलग लगा देता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। बाद में आपको इसमें फॉन्ट की बारी आती है। फॉन्ट की बारी आती है तो आपको फॉन्ट में इधर भी ले लेना है आपके आपको जो रखना है वो फॉन्ट, वो आपको रख मैंने बनाओ में ये वाला फॉन्ट रख देता हूँ और आपको इस तरह से इसमें मैं दूसरा फॉन्ट रख देता हूँ। बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसको साइज़ आपको जो रखना है आपको रख देना है। बाद में आपको क्या करना है, फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है। टेक्स्ट पे आ जाने के बाद आपको बीच में ला देना है और आपको स्पेस 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 कर देना है। स्पेस 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 करके आपको जितनी साइज रखनी है उतनी लाइन बना देनी है। मैं अभी बना देता हूँ, देखो स्पेस 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 कर दिया। बाद में आपको इसका कलर जो भी रखना है वो रख देना है। मैं अभी ये वाला रख देता हूँ। चलिए इस तरह से हो गया। बाद में आपको इसको भी साइज जो भी रखनी है वो रख देना है। बाद में आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। आप इस तरह से आप मनोज दे जैसा थंबनेल बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही।